सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने गैर शरण में बजट पेश करने जा रही है, और लिहाजा राज्य के बजट से स्थानीय लोगों में, व्यापारियों में, महिलाओं में काफ़ी उम्मीदें हैं। व्यापारी जहां व्यापार वर्ग की चीज़ों में राहत चाहता है, तो आम आदमी महंगाई पर नियंत्रण करने की उम्मीद जता रहा है। इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, और युवा राज्य सरकार से नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम सालों से बजट देखते आ रहे हैं, तो हम व्यापारियों की पहली मान्यता ये होती है, प्राथमिकता ये होती है शहरवासियों की, नगरवासियों की, प्रदेशवासियों की, देशवासियों की, कि बजट लुभावना कम फायदेमंद ज़्यादा हो, बजट लुभावना कम फायदेमंद ज़्यादा हो, जिससे आम व्यापारी को फ़ायदा मिले, यातायात को फ़ायदा मिले, टूरिज्म को फ़ायदा मिले। इन सब चीज़ों को जब फ़ायदा मिलता है, अच्छी सड़कें हों, अच्छे परिवहन वो हो, तो इन सब चीज़ों से देश आगे बढ़ता है।